रेशियो में अगर मैं फ्रैक्शन उठा सकता हूं तो दैट कैन लीड मी टू ए बेटर सिचुएशन. ऑलराइट. अच्छा, एक और जो एग्जांपल है जो मैं देना चाहता हूं वो है कि जी हफमैन कोड. अच्छा, हफमैन कोडिंग क्या है? मोहम्मद, हफमैन कोडिंग ये है कि हमने एक्चुअली फाइल कंप्रेशन लगा, ठीक है, फाइल कंप्रेशन. तो फाइल कंप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है ना कि तुमने तुम्हारा यूजुअली जो अभी तुमने बिल से पकड़ा यूज किया हो या ड्राइव यूज किया हो वो फाइल कंप्रेशन. अच्छा, फाइल कंप्रेशन में अगर हम जनरल टेक्निक यूज करें तो वो टेक्निक क्या होगी? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्या करें अगर हम हमें सवाल ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उस फाइल को ना हम कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेस कैसे करें? सर रिएक्टर को सेम नाम लिखिए और सर उसका काउंट और पोजीशन बता दीजिए. काउंट और पोजीशन संख्या. मैं अगर एक कैरेक्टर जो भी होगा हमें पता होगा भाई इतने इतने दफा आया और ये इस पोजीशन पे आया फाइल. तो आर फाइल और पोजीशन पोजीशन के लिए तुमने एक कैरेक्टर के लिए तुमने चार चार बाइट रखी ना. ये पोजीशन की जो पोजीशन तो इंटीजर है तो चार चार बाइट यानी हर कैरेक्टर को हर कैरेक्टर को पांच पांच से रिप्लेस कर देना. सिर्फ एक रखने यार पोजीशन रखने के लिए तुम्हें चार बाइट रखना पड़ेगा. सर फिर जीरो वाले पे आ जाते हैं. हर बार बाइनरी पे भी जाना पड़ेगा. क्या मालूम है सर कैरेक्टर को सर जो भी कैरेक्टर होगा ना आज मैं आपका मसला वही है उधर हूं. अरे मैं तो मसला तो वही है कि हमें इतनी एंट्री देनी पड़ेगी ना. इन पोजीशंस पे आ रहा है हर कैरेक्टर तो बहुत बार रिप्लेस हो जाएगा. यार तुम्हें सामने का चुप कर जाते हो बोलो की बात है जी. सर कैसे इसको 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 कंप्रेस करते हैं जी? टाइम सवाल यह है कि आपको फाइल कंप्रेशन करनी ठीक है और किस किसकी बेस पे करनी है ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूं कि ए जो है ना ए जो आया ना वो 1 वो लेट्स से तकरीबन 3 बार एक फाइल है उसमें 1 एमबी टाइम से पे आया है. 1 एमबी का मतलब तकरीबन 10^6 टाइम से ए आया है. और एक और लेटर है बी. बी फॉर एग्जांपल जी 1 केबी तक आया है यानी कितना आया और 1 किलो तक आया. 10 टाइम 10 3 ठीक है. और फॉर एग्जांपल एक एक लेटर सी है वो भी कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल डी वो कहता है 200 के अंदर के लिए फॉर इस तरह आपके पास लेटर सी ढेर है और इसके साथ 10 लेटर है ठीक है. अब सवाल ये है इनको कैसे कंप्रेस करके दैट्स द क्वेश्चन ठीक है. लेट्स से मैं कहता हूं ये फॉर एग्जांपल से एबीसी आए तो आप इसे कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? लेट्स से पूरी फाइल में आई एबीसी तो कैन यू टेल मी ए एनकोडिंग बाय द ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है? 65 95 तो लेट्स से कैपिटल है कैपिटल 65 होगी. 65 का मतलब है कि कितनी बिट्स पर इंटरनेट हो सकता है? log 65 टू द बेस. फाइल में था फॉर एग्जांपल एक फाइल में था नहीं
whenever you see 0, it means A. Whenever you see 1, it means B. 1-0 मतलब? Whenever you see 1-0, it means C. है ना? ऐसे हैं? अब लुको लुको. मैं let's say explain लिखता हूँ. 1-0-1-0-1. That's the confusion. अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तुम दोबारा बताइए तो क्या करना? Bits को fix कर. Bits को fix कर. लेकिन इसको हम 0-0 कह देते हैं, 0-1 कह देते हैं, इसको 1-0. Now we can say कि हमने read हमेशा 2-2 bits करी. Yes. ये बात है. इसे कहते हैं कि हमें यहाँ पे padding करनी पड़ेगी और हम हर एक का fix जो code है उसको fix करना पड़ेगा. Fix coding किसे कहते हैं? ठीक है? ये हमें हर letter को एक fix code assign करना है. ये सिर्फ इसलिए कि हमें confusion ना हो. ये बात है. But is this an optimal solution? That's the question. Proof कर लीजिए sir. Basically, the idea is that this is not an optimal solution. You can do much better. Okay? And that's a topic जो कि मेरे सामने हमें parliament लगेगा जो मेरे सामने next class में बुक करते हैं. अच्छा next class में please मैं तो पहले बता रहा हूँ कि ये जो एक सवाल आपका जो Huffman coding है और in general greedy algorithm में उसके ऊपर आएगा. ठीक है तो be attentive. अच्छा आपके सामने आ जाओ पूरे इसमें. अच्छा बात सुने आप लोगों की बंद करो असाइनमेंट.